नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोज किशन, लेके आऊँ आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही दिखाऊंगा मैं अपना कलेक्शन भी। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है राज कॉमिक्स की थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप थ्रिल हॉरर सीरीज पे फोकस करके कुछ बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज को ही फोकस किया जाए। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं थ्रिल हॉरर सीरीज की हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद चलेंगे कलेक्शन की तरफ। तो थ्रिल हॉरर सीरीज की जो इनिशियल कॉमिक्स थी उन पे जो थ्रिल हॉरर का लोगो आता था वो नहीं होता था, तो इस कारण जो लोग कलेक्शन करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की पहली कॉमिक्स थी कौन सी। एक रात के मेहमान, भयानक बदला, ऐसी काफ़ी सारी कॉमिक्स और भी थी जिन पर लोगो नहीं था थ्रिल हॉरर सस्पेंस का, लेकिन उनको ऐसे कंसिडर किया जाता कि वो थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की ही कॉमिक बुक थी। लेकिन जिस कॉमिक्स पर सबसे पहले वो जो लोगो आया था जिससे ये पहचान मिली कि हाँ अगर ये लोगो किसी कॉमिक्स पर है तो वो थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स है, वो थी मेरे हिसाब से नरभक्षी संगीत जब आई थी तो उस पर प्रॉपर थ्रिल हॉरर सस्पेंस लिखा हुआ था। और उसके अलावा कुछ एक कहानियों में भी, मुझे याद नहीं कौन से इशू हैं, थ्रिल हॉरर सस्पेंस मतलब उनमें 32 पेज में तीन कहानियाँ दी जाती थी, एक थ्रिल रहती थी, एक हॉरर रहती थी और एक सस्पेंस रहती थी। लेकिन वो मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 इशू में, पता नहीं मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितने इशू में, लेकिन उन इशू तक चला था। उसके बाद में उन्होंने एक पूरी एक कहानी को ही पूरी कॉमिक्स में लेना शुरू कर दिया था, मतलब वो तीन जो पार्टीशन थ्रिल हॉरर सस्पेंस का उसको डिवाइड करके उन्होंने एक ही कर दिया था कि एक पूरी एक स्टोरी आएगी 32 पेज की थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की। और काफ़ी साल तक राज कॉमिक्स भी थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की किताबें एज ए जनरल एज ए डाइजेस्ट निकालता रहा। डाइजेस्ट में जैसे तहलका, खतरा, शैतान और भी शायद एक दो कॉमिक्स और भी आई थी, एक कटोरा खून, दो कटोरा खून डाइजेस्ट में आई थी और सिंगल्स भी काफ़ी सारी आई थी। और बाद में सनसनी जो कॉमिक्स आई थी उसके बाद में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स जो वानी बंद हो गई थी, उसके बाद में वापस से शायद वानी शुरू हो गई। तब तक मैं शायद कॉमिक्स पढ़ना छोड़ चुका था तो मुझे आइडिया नहीं कि वो दोबारा इन्होंने प्रिंट करना शुरू की थी, जिसमें 500 फंदे, रोतोड़ा, हाँ बोल, जेल है पुरानी, इस टाइप की काफ़ी सारी कॉमिक्स उन्होंने बाद में निकाली राज कॉमिक्स ने। तो मेरे पास जो शुरुआती जो कलेक्शन था जो उन्होंने पहले निकाली थी उसमें भी हो सकता है कई लोग बोलें कि आपके पास वो कॉमिक्स नहीं है जिनमें थ्रिल और सस्पेंस सीरीज का लोगो नहीं है। तो हाँ दोस्तों, मेरे पास वो कॉमिक्स नहीं है क्योंकि कलेक्शन करते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार कौन सी लिखनी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि कोई डिवाइडेशन नहीं है कि हाँ ये वाली थ्रिल हॉरर की हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। और बाद के जो इशू थे जो दोबारा उन्होंने रीप्रिंट किया था वो मैंने उतने ज़्यादा कलेक्ट किए नहीं, लेकिन मुझे जितने भी मिले मैंने वो सारे परचेज तो कर लिए थे। अब हो सकता है उसमें काफ़ी या थोड़ी बहुत, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत किताबें ही मिसिंग हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब चलते हैं मेरे कलेक्शन की तरफ। तो पहली कॉमिक्स जो मेरे पास में है वो है खूनी आत्मा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये क्या है, टेप वेप चिपकी हुई है क्योंकि काफ़ी पुराना इश्यू है, ओरिजिनल इशू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर इसकी MRP जो है वो 5 रुपये लिखी हुई है, तो इस कारण कैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि हम यहाँ पर सेट डिटेल भी देख सकते हैं और पीछे इच्छाधारी नागराज का ऐड भी देख सकते हैं। तो ये है, मतलब इस पर कोई लोगो वगैरह प्रिंट नहीं हो रखा थ्रिल हॉरर सीरीज़ का। तो काफ़ी सारी कॉमिक्स ऐसी आती है इस पर लोगो था, किसी पर नहीं था, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपको। नरभक्षी संगीत देखिए, प्रताप जी का कवर आर्ट है और चंदू जी का शायद अंदर का आर्ट है ये देखिए। तो थ्रिल हॉरर में ऐसे ही हुआ था, एक वर्मा जी करके थे उन्होंने भी काफ़ी सारे इश्यू किए थे और प्रताप जी और चंदू जी ने भी काफ़ी सारे इश्यू ड्रॉ किए थे। प्रताप जी ने कवर ड्रॉ किए थे खूनी ज़मीन, ये देखिए खून की बारिश। थ्रिल हॉरर के जो नए इश्यू आए थे जब उन्होंने बंद करके एक बार दोबारा जो शुरू किया था वो मेरे पास शायद पूरे नहीं हैं या उतने नहीं हैं, फिर भी देखते हैं। पूर्व जन्म के हत्यारे, उनका मेरे को सीरियलाइजेशन पता नहीं है। आदमखोर हत्यारा, ये इन्होंने रीप्रिंट किया था वो वाला है, देखिए अभी राज कॉमिक्स ने रिसेंटली प्रिंट किया था इसको, रिसेंटली तो क्या मतलब टाइम हो गया काफ़ी। तो ये वाला इशू है ओरिजिनल साइड डिटेल के साथ, इसका मेरे पास ओरिजिनल इशू भी है, वो भी कहीं पड़ा हुआ है, शायद देखना पड़ेगा कहाँ पड़ा है। मौत का स्टेशन, तो ये जो कॉमिक्स थी ये बहुत ही बढ़िया थी, मतलब सिंगल 32 पेज में एकदम बढ़िया किताब है। तो ये देखिए हत्यारी गेंद, इसमें शायद धम्मी विनोद का आर्टवर्क है, प्रताप जी का नहीं है, हाँ ये लिखा है यहाँ पर चित्र धम्मी एवं विनोद, ठीक है। तरुण कुमार भाई जी लेखन करते थे मोस्टली किताबों का, मोस्टली कॉमिक्स का। काली मौत, ये कदम स्टूडियो का आर्टवर्क है, कवर आर्ट
और ये भी आप देखिए ओरिजिनल इशू है मेरे पास में, मुझे पता ही नहीं था कि ये देखिए नागराव जादू और शाहपुरा का ऐड आपने शायद देखा नहीं होगा पहले कहीं कभी, कटा हुआ हाथ इसका सेकंड पार्ट है। तो काफ़ी सारे इशू इनमें से ओरिजिनल है, काफ़ी सारे रीप्रिंट हैं। तो ये रही अपनी कटा हुआ हाथ, ये भी शायद ओरिजिनल ही इशू होगा, नहीं ये रीप्रिंट है लेकिन काफ़ी पुराना रीप्रिंट है। कटा हुआ हाथ, खूनी दर्रा, इसमें वर्मा का आर्ट वर्क है मेरे हिसाब से, ये धीरज वर्मा नहीं कोई दूसरे ही वर्मा थे, अंदर धम्मी एवं विनोद का आर्ट वर्क है और बाहर भी, हाँ ये विनोद जी का ही आर्ट वर्क है, सॉरी वर्मा का नहीं है, वर्मा का आर्ट वर्क अलग दिख जाता है। ठीक है खूनी दर्रा, उसके बाद में भागो मौत जागी, यहाँ पे फिर मेरे फेवरेट प्रताप जी उनका आर्ट वर्क है और अंदर ये भी रीप्रिंट है और अंदर वही चंदू जी। नेक्स्ट तबाही के भूत, सेम वही चमगादड़, ये भी ओरिजिनल इशू है मेरे हिसाब से, नहीं ये रीप्रिंट है लेकिन ये भी काफ़ी पुराना रीप्रिंट है क्योंकि रेट जो है वो 5 रुपये है लेकिन कंडीशन काफ़ी अच्छी है इसकी। ग्रैंड मास्टर रोबो का आर्टवर्क आपने देखा नहीं होगा, सुपर कमांडो ध्रुव का उस टाइम के ऐड हैं ये। जहरीली दौलत, अब ये तो बिल्कुल ही नई कॉपी है, जैसे कि किसी ने खोल के पढ़ा भी नहीं इसको, ये देखिए ये भी अपने प्रताप मुर्गी जी का आर्टवर्क। खिड़की, सेम वही प्रताप जी का, प्राइस 6 रुपये है लेकिन ये ओरिजिनल इशू है जैसे कि आप देख सकते हैं, आगामी सेट के कॉमिक्स में लाल मौत का आर्टवर्क दिया हुआ है, बड़ा सुंदर आर्टवर्क है ये देखिए, पीछे बना हुआ है ये देखिए, इसको भी कवर पेज पर होना चाहिए था, अच्छा आर्टवर्क है ये। 12 घंटे, ये भी विनोद, धम्मी विनोद, देखिए धम्मी विनोद। लॉकेट, ठीक है ये भी मेरे सबसे ओरिजिनल ही प्रिंट होगा, जी हाँ ये सुपर कमांडो ध्रुव वाला सेट है जो हमारे पास पहले आई थी, उसमें आगामी सेट में था सुपर कमांडो ध्रुव और इसमें नहीं, इसमें भी आगामी सेट में ही है, ये विनाश के वृक्ष के सेट वाला कॉमिक्स है और पीछे नागराज सुपर कमांडो ध्रुव का ऐड दिया हुआ है, बढ़िया। पिशाच राजा, ये भी मेरे हिसाब से ओरिजिनल ही होगा, मोस्टली ये ओरिजिनल इश्यू ही हैं, जी हाँ ये देखिए। अच्छा विनाश के वृक्ष में आप देखिए 2 थ्रिल हॉरर की कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं, ये देखिए लॉकेट और पिशाच राजा, ओहो पीछे वही नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का बेहतरीन आर्टवर्क। फिर है हमारे पास काली हांडी, ये विनोद जी का आर्टवर्क वाली है। चेहरा, प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क, थोड़ा ढंग से लगा देता हूँ। खून के छींटे, ये भी ओरिजिनल रिप्रिंट है ये। काल भैरव, ये मेरे हिसाब से ओरिजिनल होगा लेकिन इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ये देखिए ओरिजिनल है, नागराज थोड़ंगा के सेट के साथ आया था ये और पीछे आप चैंपियन किलर का ऐड देख सकते हैं। आतंक, ये रीप्रिंट होगा, इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। हत्यारा जादू, ये भी रीप्रिंट है और एकदम नई, क्या है कि आज से कोई 7-8 साल पहले ये जो कॉमिक्स हैं ये वाली सारी नहीं, मतलब जो भी नई नई आपको इसमें दिख रही है वो राज कॉमिक्स का ऑनलाइन स्टोर पर ही अवेलेबल थी, तब उस वक्त मैंने मंगा ली थी, तब से पढ़ी हैं एक्चुअल में डायन, ये कलेक्शन मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से पड़ा हुआ है, 10-12 साल पहले से पपुआ, ये देखिए इसकी कंडीशन एकदम बिल्कुल करारी है, नई की नई कंडीशन है और ये तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल प्रिंट ही है, जी हाँ ओरिजिनल प्रिंट है, जैसे कि आप देखिए सेट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। लाश के टुकड़े रिप्रिंट, चीखता कब्रिस्तान, ये भी मेरे हिसाब से रिप्रिंट ही होगी, ये ओरिजिनल प्रिंट है। एक कटोरा खून, ये अभी इन्होंने रिप्रिंट किया था, वो है 60 रुपये मूल्य का, ओरिजिनल मेरे को कभी मिला ही नहीं, रिप्रिंट जरूर मेरे पास था लेकिन वो मैंने बेच दिया शायद, या शायद पढ़ा भी हो कहीं पता नहीं। मौत का पंजा, ये ओरिजिनल प्रिंट होगा क्योंकि बकोरा के दादू का ऐड दिया हुआ है, ये देखिए अजगर का तूफान वाले सेट के साथ है।
इस सेट में मेरे पास सारी कॉमिक्स हैं ओरिजिनल, अजगर का तूफान, विकांडा, फौलाद, रेतलोक में कहर की दीवार, मौत का पंजा। ये भी एक दिन लगानी पड़ेगी सेट वाइज, सेट वाइज लगाएं नहीं लगाएं, दलदल के नीचे, ये भी ओरिजिनल प्रिंट है। तेरहवीं मंजिल, ये भी ओरिजिनल प्रिंट है, देखिए। तो ये तेरहवीं मंजिल, दलदल के नीचे, ये वाली कॉमिक जो है ना ये स्टोर पे अवेलेबल थी, शैतान ये भी अवेलेबल थी स्टोर पे, ये भी देखिए बिल्कुल एकदम नई की नई पड़ी है और ओरिजिनल प्रिंट ही है। ये देखिए पीछे अच्छे अच्छे कलेक्शन दिए हुए हैं, वॉलेट वगैरह और जाने क्या क्या चीज़ पहले आती थी नागराज नॉवल्टीज में, अब सब बंद हो गया। बकोरा का दादू का एड, प्रताप जी का आर्टवर्क, सेट डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। टहल का, ये भी एकदम अच्छी कंडीशन में है, ओरिजिनल प्रिंट है ये भी, 15 रुपये MRP है इसकी। ये देखिए आदमखोर रात, ये भी ओरिजिनल प्रिंट ही है क्योंकि पिरामिडो गिरानी का पीछे ऐड दिया हुआ है, ओरिजिनल प्रिंट है। लाश के कैदी, जिसके पीछे दिया हुआ है कर्फ्यू का ऐड, ये भी ओरिजिनल प्रिंट ही है पिरामिडो गिरानी का। दहशत, ये भी ओरिजिनल प्रिंट है, इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो रखी है। भयानक, बहुत भयानक, ये भी ओरिजिनल प्रिंट ही है, फिर आया नागदंत का पीछे ऐड दिया हुआ है। खोपड़ी का निशान, अब ये है वर्मा का आर्टवर्क, पीछे यहाँ पर लिया हुआ है वर्मा, ये धीरज वर्मा जी नहीं है, कोई दूसरा ही वर्मा है ये। और अंदर संजय अष्टपुत्री जी के चित्रांकन है अंदर। सदमा ओरिजिनल प्रिंट, सामरी की ज्वाला का ऐड दिया हुआ है पीछे। ये सिर किसका है, बिल्कुल मिंट कंडीशन, ओरिजिनल इश्यू, ये देखिए। जिंदा मर जा, ये भी सेम वही ओरिजिनल इश्यू, सेट डिटेल वगैरह दिए हुए, पीछे सुंदर सा नागराज का नगीना का एड, विज्ञापन। खुर्रा, ये भी ओरिजिनल है, सेट डिटेल दी हुई है। भयानक कुत्ते, वाह, पीछे ऐड दिए हुए हैं नागराज के कॉमिक शो के। ये रीप्रिंट है। अधड़ा, खतरा का पीछे ऐड दिया हुआ है, ये ओरिजिनल इशू होगा, ओरिजिनल इशू है। खून सने हाथ, मिस किलर का सुंदर ऐड दिया हुआ पीछे, ओरिजिनल इशू ही होगा, ओरिजिनल इशू है, सेट डिटेल दी हुई है। खूंखार, पीछे से कवर फटा हुआ है, ये भी ओरिजिनल प्रिंट ही है जी, क्या बताएं। देखिए तू तेन तू का शानदार विज्ञापन दिया हुआ है यहाँ पर, ओरिजिनल गिर गिर भाई। प्रेत युद्ध, ये सब रीप्रिंट तो कभी हुए ही नहीं, तो ये अगर आपको मिल रही है तो ये ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ ही मिलेगी। लाश कहाँ गई, पीछे तू तेन तू का गजब का विज्ञापन और गजब का नागराज बना हुआ है नीचे। नापा, ये भी प्रताप जी का आर्टवर्क है। खून की होली ओरिजिनल इशू। टाटू, थोड़ा फटाफट निपटा लेते हैं, काफी सारी किताबें हैं। भंजा, खतरा, बवाल, या अमीबा, कब्जा, सनसनी। तो मेरे हिसाब से यहीं तक राज कॉमिक्स ने इनको प्रिंट किया था, जो पुराने वाले इश्यू थे,
अब जो नए इशू उन्होंने प्रिंट किए थे वो मेरे पास सारे नहीं हैं, जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हत्यारे बाल, सार्जेंट भूतनाथ, जेल शरीर, 500 फंदे, तेरी मौत तेरे सामने, दादी शराब। ये जेल है पुरानी, चेहरा चोर, हाँ बोल, अजीब से ही नाम है भाई। मैं भी 13वां दिन, रक्त कथा। पहले मैंने सोचा था इनको मंगाऊँ मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो अभी स्टॉक में है मंगा लेते हैं, क्या पता बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, लुक छुप जाना, और आउट ऑफ स्टॉक हो भी गई है सब दप्पा। आजकल तो क्या है जी, जो भी निकल रहा है सब आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। आत्मा निवास, भूत किस्में, रक्त पिपासु और मौतूड़ा, मौतूड़ा। तो बस दोस्तों यही है, ये वाली मेरे हिसाब से सारी हैं, इनमें हो सकता है मिसिंग हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसके अलावा हॉरर जोन में राज कॉमिक्स ने एक्स सीरीज, हु सीरीज, फ्रेंडी सीरीज भी निकाली थी, उनके भी मेरे पास कलेक्शन है। हु सीरीज़ का मैंने एक भी कॉमिक्स कलेक्ट नहीं करी, तो उसका मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन एक्स सीरीज़ और फ्रेंडी का मेरे पास कलेक्शन है पूरा पूरा। तो क्या मतलब, कुल मिला के कोई 10-15 किताबें ही हैं दोनों को मिला के। फ्रेंडी की शायद 5 थी और एक्स सीरीज़ की भी 6 या 7 कॉमिक्स थी, तो ऐसे अगर कोई 12-15 कॉमिक्स हैं तो वो भी मेरे पास हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे अपडेट देखना चाहते हैं कि मैं राज कॉमिक्स से कुछ काम करता हूँ, कोई कुछ भी मैं जो नया कर रहा हूँ कॉमिक्स इंडस्ट्री में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिए दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके मुझे आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको मिले इंस्टाग्राम के अपडेट भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।